स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड। उससे पहले पेट पूजा कर लेंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे। खाओगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, इससे बेटर अच्छा खाओ। गाइज, मैं रोटी खा के निकल गया था कोरल आइलैंड की तरफ। मैंने वहाँ से 3 टिकटें ली जो 5400 बात की हमें पड़ी। उसमें स्कूबा, जेट किंग और पैरास्लाइडिंग, ये तीनों थी। और स्पीड बोट हमारे पास थी जिससे हमें आना जाना था। 1800 रुपये में आना जाना, तीनों एक्टिविटीज़ थी। तो हम निकल पड़े थे। सबसे पहले हमें पैरास्लाइडिंग करनी थी। तो पैरा स्लाइडिंग करने के बाद हम निकल गए थे कोरल आइलैंड की तरफ। कोरल आइलैंड जब वहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ पे हमने खूब मज़े करे। और एक्टिविटीज़ करने के बाद हम निकल गए थे स्कूबा के लिए।
हमने वहाँ खूब मौज मस्ती करने के बाद वहाँ से हम निकल गए फिर स्कूबा ड्राइव के लिए। वो खुद ही लेके जाते हैं वहाँ से, 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उसके बाद हमें वो समुंदर में अंदर अपनी स्पीड बोट से हमें लेके जाते हैं। वो जब तक वो बोट नहीं आई थी तो हम वहाँ पे घूमने फिरने में व्यस्त हो गए, उसके बाद उनकी बोट आई और हमें स्कूबा के लिए ले गए थे। ये स्कूबा करने की हमारी वीडियो थी, जो वीडियो 1 मिनट की है। 1 मिनट का उन्होंने हमसे चार्ज किए थे 800 बाहत, यानी कि आप समझते हो सीधे सीधे 2000 रुपये के आसपास हमसे सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए थे। स्कूबा खास नहीं थे, 1 मिनट में क्या होता है, वैसे तो हमें 10 मिनट के आसपास नीचे रखा था, लेकिन मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा जो स्कूबा होती है वो अंडोमान निकोबार के अंदर होती है, उससे बेस्ट शायद कहीं होती हो। छोटी छोटी रंग बिरंगी मच्छी थी, और ये इधर उधर है ना जो ये सारे जानवर हैं वो वीडियो में नहीं दिखाए थे इन्होंने, लेकिन हमारे हाथ में इन्होंने उठा उठा के वो जानवर रखे थे। स्कूबा करने के बाद हम बोट में बैठकर वापस निकल गए थे आइलैंड की तरफ। आइलैंड पर पहुंचकर हमने जेट किंग की इसका मजा लिया, लेकिन समुंदर के लहरें बहुत ही सारे भीग गए थे इसमें हम। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे 1800 बाहत में थी, स्पीड बोट से हमें लाना ले जाना और ये सारी एक्टिविटीज़। आप सरकारी बोट से भी आओगे ना तो 30 बाहत जाने के 30 आने के, बाकी एक्टिविटीज़ के आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप यहाँ नाइट स्टे भी कोरल आइलैंड पर कर सकते हैं। बाद में अभी मैं पहुंच रहा हूँ अपने होटल फटाफट।